हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हल्दी केसर दूध घर पर कैसे बनाए जाते हैं कि आप भी घुटनों के दर्द से परेशान हैं डायबिटीज से परेशान है पाचन क्रिया होने में प्रॉब्लम हो रही है आपको इस सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा बस आप ये वाला दूध बनाकर पीजिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे कैसे इसे बनाना है तो हमने यहाँ पर लिया है गर्मा गर्म गाय का दूध यहाँ पर गाय का दूध कहीं यूज़ करना है भैंस का दूध का नहीं तो यहाँ पर देखिए हमारा दूध जो है वो गर्म हो गया है अब इसमें जाएगा हल्दी जैसा कि आप जानते हैं कि हल्दी के अनगिनत फ़ायदे होते हैं जैसे कि आपके अगर घुटनों में दर्द है डायबिटीज़ से अगर आप परेशान हैं खाना अच्छे से नहीं पच पाता है तो आप जानते ही हैं कट फट भी जाता है तो हम लोग हल्दी ही लगाते हैं ताकि हमारा चोट जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए तो हल्दी हमारे शरीर के लिए बहुत सही रहता है तो यहाँ पर हमने हल्दी डालकर मिला लिया है अच्छी तरह अब इसमें हम डालेंगे दो छोटी इलायची यहाँ पर कूट कर डाल देना है डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है उसके बाद इसमें जाएगा केसर के धागे केसर में विटामिन ए e, विटामिन सी प्रोटीन फाइबर आयरन पाए जाते हैं तो ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत सही है अगर आप गले से परेशान हैं जैसे होता है ना कि गला में खसखसाहट हो जाती है सर्दी जुखाम हो जाता है तो उसमें भी आप इस दूध को सेवन करेंगे तो आपको अत्यधिक फ़ायदे मिलेंगे तो हमने यहाँ पर केसर डाल दिया है केसर को अच्छी तरह घुलाना बहुत ज़रूरी है तो मैंने धीमी आंच पर इसे पंद्रह मिनट तक पकाया है और हमारा दूध जो है वो अच्छी तरह पक गया है और पहले से कम हो गया है आप देख सकते हैं तो हमारा दूध अच्छी तरह खोल गया है अब हम गैस को बंद कर देंगे अब इसमें जाएगा गुड़ तो गुड़ को आप पहले ना डालें जब आपका दूध खोल रहा है ना तो उसमें गुड़ ना डालें नहीं तो आपका दूध फट जाएगा जब आप गैस बंद करें तभी आप मिला दें तो यहाँ पर हमने गुड़ डाल दिया है इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है गुड़ भी हमारे हेल्थ के लिए सही रहता है तो गुड़ को डालकर इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और हल्का सा गुनगुना रहेगा तब हम इसे छानेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा दूध जो है वो तैयार हो गया है तो चलिए इसे हम छान लेते हैं तो एक गिलास लेंगे और छन्नी रखेंगे और इसे अच्छी तरह हम छान देंगे बिना छाने इसे बिल्कुल भी नहीं पीना है तो ऐसे से करके छानेंगे क्योंकि दूध हमारा गाढ़ा हो गया है थोड़ा सा छानने में प्रॉब्लम होगी और थोड़ा तो सा अच्छा गुनगुना रहेगा ना तभी आप इसे पीजिएगा और आप अपने परिवार में ना सबको पिलाइएगा क्योंकि सब इसे पिएंगे ना तो किसी को ऐसा नहीं है कि नुकसान करेगा सबके लिए बहुत सही है ये बच्चे बड़े या फिर बूढ़े सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हमारे घर में अक्सर ये दूध बनता है और फ़ायदा भी करता है इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ हर कोई परेशान है डायबिटीज़ से घुटनों के दर्द से परेशान है सर्दी खांसी तो पूछिए ही मत आजकल हो जा रहा है हमेशा इसीलिए मैंने आपके साथ ये दूध की रेसिपी शेयर की है ताकि आपके परिवार के लोग भी स्वस्थ रहें तो यहाँ पर हमने थोड़े से केसर के धागे डाल दिए हैं ऊपर से तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा गर्मा गर्म दूध बनकर तैयार हो गया है तो आप अब इसे गर्मा गर्म पीजिए और स्वस्थ रहिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वाली दूध की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिए बाय